अमृत महोत्सव का उल्लास है। देश अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। शूटवुड लिटरेरी फोरम ऐसे मौके पर अपने सर्वप्रथम 5 महावीर चक्र विजेताओं की अमिट अविस्मरणीय कहानी लेकर आया है। वंदे मातरम, मैं सारिका पंकज। देश के तीसरे परम वीर चक्र विजेता रामा राघोबा राणे की कहानी लेकर हाजिर हूँ। शूरवीर परमवीर चक्र विजेता पुस्तक से, जिसे कि लिखा है रचना बिष्ट रावत ने, प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, ये अंश लिया है मैंने। वीर चक्र प्राप्त 89 वर्षीय कर्नल जेपी चोपड़ा नोएडा स्थित सेक्टर 31 के अपने बंगले में बैठे हैं। पेपर और कुकी नाम के स्पिट्स नस्ल के उनके 2 कुत्ते आसपास कूद फांद कर रहे हैं। कुकी लीव, वो रूखेपन से उन्हें आदेश देते हैं और कुकी अपनी दुम हिलाना बंद करके सोफे के नीचे चली जाती है। पेपर भी चुपके से खिसक कर पर्दे के पीछे छिप जाता है और दोबारा से बातचीत में शामिल होने के मौके का इंतजार करने लगता है। हालांकि कर्नल और रानी को एक ही कंपनी में साथ साथ काम किए 65 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कर्नल को उस समय की बातें साफ साफ याद हैं। वो दोनों इंजीनियर्स यूनिट में थे। बारूदी सुरंगें साफ करना, सड़कें बिछाना और पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ आर्मी की मदद करना उनका काम था, उन्होंने याद करते हुए बताया। 1947 का साल खत्म होने को था। युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। पाकिस्तान श्रीनगर एयरफील्ड और जम्मू की तरफ से कश्मीर पर हमला कर रहा था। जम्मू से वो अखनूर नौशेरा एक्सिस की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय सेना को झांगर से फौज हटाकर नौशेरा लौटना पड़ा। जब वो नौशेरा में थे तो उन्हें वापस आकर झांगर पर हमला करने का आदेश मिला। सेकंड लेफ्टिनेंट चोपड़ा और उनके 11 साथियों को झांगर जाने वाले रास्ते को साफ करने की जिम्मेवारी दी गई और राणे को कहा गया कि वो अपने 22 साथियों के साथ मिलकर टैंकों के लिए रास्ता बनाए ताकि राजौरी पर हमले की तैयारी की जा सके। इस काम को अंजाम देने के लिए इन लोगों को ऐसे नाले को भी पार करने थे जो बारिश होने पर 6 इंच से बढ़कर 10 फुट गहरे हो जाते थे। उन्हें बिना आराम के और आधा पेट खाना खाकर लगातार काम करते रहना था। खाने पीने और आराम करने में वक्त जाया न हो, इसलिए अधिकतर समय उन्हें सूखे शकरपारों से पेट भर गुजारा करना पड़ता था। यहाँ तक कि बारूदी सुरंगों की वजह से टैंक के उड़ जाने की स्थिति में भी उन्हें काम जारी रखना था। मृत सैनिकों को हटाने, घायलों की मदद, सड़क बिछाने, बाधाओं को हटाने, बारूदी सुरंगें साफ करने में वो इतने मशगूल हो गए थे कि दिन और रात तक का ख्याल नहीं रहता था। ये सब मशक्कत इसलिए हो रही थी ताकि सेना राजौरी पहुँच सके और पाकिस्तानी घुसपैठियों को कत्लेआम से रोका जा सके। इसका सारा श्रेय राणे को ही जाता है। सेना राजौरी पहुंच पाई और वक्त रहते कई मासूम जिंदगियां बचाई जा सकें। सुबह के 6 बजे हैं, अप्रैल का महीना है और आसमान भी साफ है। रामा राघोबा राणे तथा उनकी टुकड़ी को बारूदी सुरंगें साफ करने का काम सौंपा गया है। ये काम उन्हें नौशेरा के पास नाथपुर साउथ फोर्ट एरिया से शुरू करना था। उनका काम है नौशेरा से राजौरी तक टैंकों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाना, जहां छापामार निहत्ती जनता पर हमला कर रहे थे। झांगर पर पुनः कब्जे के बाद पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई थी, लेकिन पीछे हटने से पहले उन्होंने राजौरी से पुंछ तक का राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह तबाह कर डाला था। राजौरी पहुंचने का कोई और रास्ता न होने के कारण भारतीय सेना को ये आदेश दिया गया था कि वह चिंगास तक अपना रास्ता खुद बनाए, जो कश्मीर पहुंचने के लिए पुराना मुगलकालीन रास्ता है। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे और 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी का सेक्शन 4 डोगरा से मिला दिया जाता है, जो 8 अप्रैल 1948 के दिन राजौरी की तरफ कूच करता है। नौशेरा के 11 किलोमीटर उत्तर में वो बरवाली रिज पर हमला कर देते हैं। शाम 4 बजे तक वो दुश्मन को शिकस्त देकर रिज पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाका तथा रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाओं के साथ साथ बारूदी सुरंगें बिछी होने के कारण
वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते। इसी वक्त राणे और खंदक खोदने वाले सैनिकों की उनकी छोटी सी टीम हरकत में आ जाती है। वो रास्ते की बाधाएं साफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्द ही अंधेरा होने लगता है। दुश्मन की तरफ अचानक शुरू हुई गोलीबारी से वो भी अचंभित हो उठते हैं। पाकिस्तानी वापस लौट आए हैं और उन्होंने रास्ता साफ करने की कोशिश करते सैनिकों पर मोर्टार से हमला करना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से राणे को अपने चार साथियों से हाथ धोना पड़ता है। सैपर्स अंबाजी मोरे और रघुनाथ मोरे मारे जाते हैं। सीताराम सुतार और केशव आम्ब्रे बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। बाद में दोनों की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। ये चारों खंदक खोदने वाले सिपाही थे। एक छर्रा लांस नायक एम के जाधव की रीढ़ की हड्डी में धंस जाता है और उन्हें जीवन भर के लिए लकवा मार जाता है। राणी की जांग में भी छर्रे से गहरा घाव हो जाता है, लेकिन वो खून के भारी बहाव के बावजूद प्राथमिक चिकित्सा लेकर मोर्चे पर डटे रहने का फैसला करते हैं। चूंकि बुलडोजर तेज आवाज कर रहा है, इसलिए इसके ड्राइवर को दुश्मन की गोलियों की आवाजें सुनाई नहीं दे पा रही। उसे बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है। हालांकि पाकिस्तानियों को एक बार फिर खदेड़ दिया गया, लेकिन रात के वक्त रास्ते की बाधाओं को हटाने का काम मुलतवी करना पड़ा। जमीन खिसकने से पैदा हुई बाधाओं को हटाने के लिए राणे तड़के सुबह फिर लौटे। वो बाधाएं साफ करने में सुबह के 10 बजे तक कामयाब हो पाए। टैंक अब आगे बढ़ सकते थे, परंतु जल्द ही एक और बाधा सामने आ जाती है, जिसे राणे को साफ करने में दोपहर के 3 बज जाते हैं। ये प्रक्रिया जारी रहती है। राणे टैंक में बैठ जाते हैं और जब भी कोई बाधा सामने आती है, वे और उनके साथी नीचे उतरकर रास्ता साफ करने लग जाते हैं। रास्ते में गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए उन्हें कभी कभी बम से भी उड़ाना पड़ता है। कोई पुलिया इस कदर क्षतिग्रस्त मिलती है कि दुश्मन की गोलीबारी के बीच और उससे बचते हुए नया रास्ता बनाना पड़ता है। ये काम शाम ढलने तक चलता रहता है। टैंकों को अब रोक दिया गया था और जवानों ने रात में शरण के लिए जल्दी से खंदकें खोदना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह 4:45 बजे के करीब राणे फिर वापस काम पर लौटे। अपनी जान की परवाह किए बगैर वे लगातार रास्ते की बाधाओं और बारूदी सुरंगों को साफ करने के काम में जुटे रहे। टैंक बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ते रहे, इसको मुमकिन बनाने के लिए वो धीमी गति से ही सही, लेकिन लगातार रास्ता बनाने में जुटे रहे। दोपहर 2 बजे वो चिंगास पहुंचने में कामयाब रहे। रास्तों को पूरी तरह खोलने के लिए राणे रात 9 बजे तक काम में लगे रहे। अगले दिन सुबह 11 बजे तक रास्ता इतना साफ कर दिया गया था कि उस पर अब हर तरह की गाड़ियां आ जा सकती थीं। लेकिन उन्होंने पाया कि चिंगास के आगे रास्ता पहले से भी ज्यादा खराब है। चूंकि सेना के पास राजौरी से कत्लेआम की खबरें लगातार आ रही थी, इसलिए राणे और उनके जवानों को यह आदेश दिया गया कि उनकी टीम तुरंत चिंगास से आगे का रास्ता साफ करने के काम में जुट जाए। जबकि दूसरी तरफ उनकी पलटन ताबी नदी पर टैंकों के लिए राजौरी तक का रास्ता बनाने के काम में जुट गई। एक बार फिर जवान अपने काम पर लग गए। नदी के किनारे पर बड़े बड़े पत्थरों को बम की मदद से उड़ाया गया। हिलोरे खाती नदी के बीच टैंकों को कई बार उतारना पड़ा। वो जब भी कभी अटक जाते तो उन्हें निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ती। 11 अप्रैल को उन्होंने फिर एक बार पड़ाव डाला और अगले दिन शाम 6 बजे टैंक राजौरी पहुंचने में कामयाब रहे। ये तमाम दिन राणे के लिए बिना एक भी पल आराम के गुजरे। इसे एक करिश्मा ही कहा जाना चाहिए कि वो एक कुमायूं और टैंकों को राजौरी पहुंचाने में कामयाब रहे। जब सैनिक राजौरी पहुंचे तो उन्हें वो भूतहा शहर जान पड़ा। खून से सनी लाशों से भरे 2 गड्ढों से होकर गुजरे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये निर्मम कत्लेआम हमलावरों की कारस्तानी थी। सेना के पहुंचने पर हिंसा खत्म हो गई और जल्द ही शरणार्थी अपने अपने गांव लौटने लगे। इंजीनियर्स को अपनी बहादुरी और मुस्तैदी के लिए राजौरी के बैटल ऑनर से नवाजा गया और राणे को अपने कर्तव्य, साहस और वीरता के प्रति समर्पण के लिए परमवीर चक्र मिला।
ये थी कहानी रामा राघोबा राणे की। ये तीसरी कहानी थी। चौथी कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होती हूँ। इसी पुस्तक शूरवीर परमवीर चक्र विजेताओं की कहानी, जिसे लिखा है रचना बिष्ट रावत ने और पब्लिकेशन है प्रभात पब्लिकेशन। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।